नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के एरोड सर्वहारा पीपुल्स पार्टी द्वारा एंथियूर में एक ध्वजारोहण समारोह। एरोड जिले के एंड्यूर नॉर्थ यूनियन की सर्वहारा पीपुल्स पार्टी द्वारा एक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। नॉर्दर्न यूनियन वर्किंग पीपुल्स पार्टी के सचिव बुलेट थनराजा ने समारोह की अध्यक्षता की और नॉर्दर्न यूनियन वर्किंग पीपुल्स पार्टी के गोपाल ने सभी का स्वागत किया। उत्तरी जिला सचिव एडवोकेट कृष्णमूर्ति, उत्तरी जिला अध्यक्ष एडवोकेट सेंगुटेयन वनियार, संघ जिला सचिव मनोकरण, राज्य कार्यकारी समिति सदस्य एससीआर गोपाल, इंदियूर नगर वनियार संघ सचिव शेखर ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सर्वहारा पीपुल्स पार्टी के जिला सचिव एडवोकेट कृष्णमूर्ति ने पार्टी का झंडा फहराया और एक विशेष भाषण दिया। मंगलवार को डॉक्टर रामदास का जन्मदिन मनाया जाए और सभी क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाए जाएं। इस कार्यक्रम में पाटली पीपुल्स पार्टी नॉर्दर्न यूनियन के कार्यकारी वेंकटचलम उथरासामी, संतोष सुधाकरन, मुरुगेसन तमिलरासु, सूर्या चिनाथुराई, शेखर रमेश, विजय कुमार, कृष्ण कुमार गोविंदन, युवराज शक्तिवेल, राजमनिकम मंथा, सेल्वन पेरियासामी, गोपाल कृष्णन शक्तिवेल, मुरुगन सिनरासु, राज्य जिला संघ बरूर कर्दम के पदाधिकारियों ने भाग लिया। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट।